हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कर्व। जिवें तुसीं देखिया कि लास्ट सैशन दे विच आपां 10 वर्ड्स वोकैब दे कीते सीगे, ते आपां फनी ते ट्रिकी वे यूज़ कीता सी, ट्रिक्स लईआं सी, स्टोरी बनाईआं सी हर वर्ड्स दीआं तां कि सानूं लॉन्ग टर्म लई याद रहे। ठीक है, जे तुसीं लास्ट वाली वीडियो सैशन नहीं वेख्या तां तुसीं लास्ट पार्ट 1 सैशन दा जिहड़ा सैशन 1 असीं कीता है, उह तुसीं वेख लिओ। ठीक है, हुण आपां अगे वर्ड करदे हां, 11th वर्ड अपना शुरू करदे हां। एवोल्यूशन, आपां वेख्या सी कि एवोल्यूशन दे विच आपां वर्ड्स नूं तोड़दे सी ट्रिक बनाउण लई। ठीक है, ए ब्लू सोल्यूशन प्लस सोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन दा मीनिंग वैसे की हुंदा, पहले तुहानूं मैं मीनिंग दसदी हाँ। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ठीक है, मतलब इहदा मतलब हुंदा है कि जिवें सरोवर दे विच आपां इशनान करदे हां, किसी गुरुद्वारे विच देखिया होएगा तुसीं, सब तो पहला जाने अपनी सोल नूं आपां प्योरीफाई करदे हां, तां इहदा मतलब की है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सैल्फ। हुण आपां इहदी इदां ही ट्रिक बनावांगे, वर्ड नूं आपां तोड़ लिया, ए ब्लू प्लस सोल्यूशन। ठीक है, ए डिवोटीज, डिवोटी की हुंदी श्रद्धालू। ठीक है, डिवोटी टेक ए बाथ इन द ब्लू वॉटर ऑफ श्री दरबार साहिब फॉर प्योरीफिकेशन। कि एक श्रद्धालु ने इशनान किया अपनी सोल नूं प्योरीफाई करने लिए, प्योरीफिकेशन लिए। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ठीक है, मैं लगता तुम्हें याद हो गया होगा। ठीक है, नैक्सट आप अपना वर्ड करते हैं, एबनिगेशन। एबनिगेशन का मीनिंग होता है टू गिव अप अ राइट और क्लेम, मतलब अपनी राइट नू त्यागना। ठीक है, हुण आपां इहनू वर्ड नू याद करन लई इहनू तोड़ांगे, ट्रिक बनावांगे। ਇਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਨਿਗੇਸ਼ਨ। ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਬ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਗੈਟ, ਵੀ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਏ ਰਾਈਟ ਔਰ ਕਲੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਐਬਨੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, आप अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्ड। अबॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, अबॉर्ड का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर समवन लिव्स, जिथे कोई रहता है। ठीक है, कोई जगह, निवास भी कह सकते हैं आपां इहनूं। ठीक है, ट्रिक बनाने लई इस वर्ड नूं तोड़ देवांगे, आ प्लस बॉडी। ठीक है, हुण सेंटेंस बनाने आ, अ बॉडी नीड अ प्लेस टू नीड्स अ प्लेस टू लिव, मतलब एक बॉडी नूं जगह चाहिदी हुंदी है रहन वास्ते। ठीक है, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। ठीक है, मैं लगता क्लीयर होएगा, याद हो गया होएगा, सिंपल है, एवें लर्न करना बहुत ईजी है जो आप एक सेंटेंस बना लें या एक स्टोरी की तरह याद कर दू। ठीक है, नैक्सट अपना वर्ड है अबोलिश। अबोलिश कितने ना कितने साउंड कर रहे हैं डिमोलिश की तरह, डेमोलिश की होंगे कि किसी चीज़ नूं तोड़ देना। ठीक है, टू पुट एन एंड टू, भी किसी चीज़ नूं ख़त्म करके उन्हें एंड ते लै आना। ठीक है, टू पुट एन एंड टू, या फिर टू कैंसल, मतलब कैंसल कर देना किसी चीज़ नूं, ख़त्म करके उन्हें कैंसल कर देना। ठीक है,
किवें याद करना है, सिमिलर वर्ड यदा की है डेमोलिश, तो उदा ही डेमोलिश का मतलब होंगे कि पुट एन एंड टू तोड़ देना, ठीक है, क्लियर है ना। नैक्सट वर्ड करते हैं आप अपना, अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल वर्ड दे विच आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल आ रहा है, ओरिजन मतलब कितों की ओरिजन, कितों की स्टार्ट होया, ठीक है। ओरिजन मतलब नेटिव, कोई मतलब कितों किसी परसन का ओरिजन होया, ठीक है, वो परसन कितों का नेटिव है, बस इतों ही याद रखना है। ओरिजिनल प्लेस मतलब ओरिजिनल जिथों बिलोंग करता है, ओरिजिनल प्लेस जिथों बिलोंग करता है, तो वह की होएगा नेटिव, ठीक है। इंडिया के नेटिव ने इंडियंस है ना, ऐसा याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अपना वर्ड है अबोमिनेबल। इसका मीनिंग होता है वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट एक्ट। ठीक है, हम इन याद करने लिए आप इन तोड़ देवांगे। अ बॉम प्लस इनेबल सेंटेंस बनाने आप। इफ यू इनेबल अ बॉम देन इट विल बी एन अनप्लीजेंट एक्ट, वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट एक्ट, वेरी बैड देन इट विल बी वेरी बैड, इदा कर लेने, ठीक है। ऐसे तुहानू याद हो जाएगा जो आप किसी बॉम्ब नू इनेबल करना एक गलत गल है ना, तो इतों की याद हो जाएगा वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट एक्ट, ठीक है। नैक्सट वर्ड करिए, ठीक है, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होंगे, यदा मतलब भी होंगे त्याग देना या फिर टू गिव अप या फिर रिनाउंस। लास्ट वीडियो कराया सी ना रिनाउंस, री प्लस अनाउंस, उसने दोबारा अनाउंस कर दिया कि वो त्याग कर रहा है, ठीक है, ऐदा ही गिव अप कर देना, हार मान लेनी, अबैंडन। हुण इहनू याद करन लई ट्रिक बनावांगे, आ प्लस इनू आपां बंधन की तरह रीड करांगे, ठीक है। सेंटेंस बनाऊंगे, अब सारे बंधनों को त्याग दो, सारे बंधनों को छोड़ दो, ठीक है। टू गिव अप हो गया लर्न। नेक्स्ट वर्ड अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग क्या होता है? अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलैस या फिर फ्यूटाइल। अबॉर्टिव ही देखा तो या फिर मतलब फ्रूटलैस का मीनिंग क्या होता है? मतलब जिहड़ी चीज़ का मतलब कोई लाभ ना होवे आपां नूं, या फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का भी मतलब होंदा है कि कोई भी लाभ ना होना, ठीक है। अबॉर्टिव ही अबॉर्टिव जिहड़ा है ना, इहदा आपां ओह बना लांगे, अबॉर्टिव ही देखा तो तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होएगा, फेल हो जाओगे, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इदा आपां इस लाइन की ट्रिक बना लांगे, इस वर्ड नूं तोड़ लवांगे। कोई लाभ नहीं मिलेगा। फ्रूटलेस, ठीक है, क्लियर है, हो गया याद।
नैक्सट वर्ड दे चलते हैं। नैक्सट वर्ड है अब्रेजिव। अब्रेजिव का मीनिंग की होता है? सबस्टांस यूज्ड फॉर रबिंग। रब करन लई जिहड़ा सबस्टांस यूज किया जाता उन्हें की कहिंदे हैं? अब्रेजिव। की कहिंदे ने? अब्रेजिव। या फिर इहदा मीनिंग की होंदा है? हार्श बिहेवियर भी इहनूं एक हार्श बिहेवियर दे रूप दे विच भी इहनूं यूज किया जाता है अब्रेजिव। हुण आपां इहनूं वर्ड नूं तोड़ लांगे। अब प्लस इरेज। अब इरेज मतलब अगर तुसीं कुछ भी गलत लिख देंदे हो तुहानूं इरेज करन लई इरेज करन लई तुसी रब करन लई डस्टर चाहिदा हुंदा। ठीक है, रब करन लई इत्थों याद होएगा इफ़ यू राइट समवन रोंग यू नीड ए इरेजर टू रब इट। ठीक है, इत्थे एक सेंटेंस बना लैंदे हां। समथिंग रोंग यू नीड ए इरेजर टू रब इट। ठीक है, मतलब रब करन लई अपन नूं चाहिए इरेजर। तो फिर अपन याद हो गया सबस्टांस यूज फॉर रबिंग। ठीक है, हुण अब्रेजिव है जिहड़ा ओ एग्रेसिव की तरह भी साउंड कर रहा ना। ठीक है ना, तो एग्रेसिव की हुंदा है? हार्श बिहेवियर। ठीक है ना, हो गया याद। चलिए नैक्सट वर्ड ते देखिए आपां किद्दां एक स्टोरी दे नाल नाल वर्ड्स नूं याद कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रेस दे। इदां ही तुसीं भी यही ट्रिक नूं यूज़ करके इदां ही आई वे नूं यूज़ करके अपने आप भी अपने घर विच वर्ड्स होर बना सकदे हो। ठीक है, नैक्सट अपना वर्ड है एब्रिज। हुण एब्रिज दा मतलब की होंदा है? शॉर्टन, मतलब किसी चीज़ नूं शॉर्ट करना। हुण आपां देखदे हुण आपां इहनूं मतलब याद करन लई तोड़ लैंदे हां। आ प्लस ब्रिज। हुण ब्रिज की हुंदा है? ब्रिज यूज हुंदा ना भी की कहिंदे है किसे रस्ते नूं छोटा करन लई, है ना। ब्रिज इज यूज टू शॉर्टन द लेंथ। तो इत्थों ही आपां नूं याद हो जाएगा ब्रिज शॉर्टन। ठीक है, किसी मतलब प्रेसी राइटिंग दे विच आपां शॉर्ट करके लिखते हैं ना उन्हें तो उन्दे विच यूज़ होंदा ब्रिज। नैक्सट अपना वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट एब्रोगेट का मीनिंग की होंदा है? एब्रोगेट का मीनिंग होंदा है अबोलिश या सम कस्टम्स या फिर किसी चीज़ नूं ख़त्म करना। ठीक है, किसी परंपरा को ख़त्म करना। ठीक है, हुण आपां इहनूं तोड़ देंगे इहनूं याद करन लई। एब प्लस रो प्लस गेट। अब रो गेट पर जाकर क्योंकि परंपरा ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि परंपरा ख़त्म हो गई है। ठीक है, अबोलिश सम कस्टम एबोलिश। हो गया याद, करिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्सिशन। एब्सिशन एब्सिशन का मीनिंग की होता है? एब्सिशन। ठीक है, एब्सिशन का मीनिंग की होता है? कटिंग ऑफ।
या फिर चीरा है ना पंजाबी दे विच कहिंदे ने। हुण इहनूं याद करन लई आपां तोड़ दांगे वर्ड नूं। सीज़र, आ सीज़र, अ सीज़र इज़ यूज टू कट, ठीक है, मतलब कट करन लई सीज़र यूज़ हुंदी है, ठीक है। एब्सीसन हो गई याद, करिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन, दोबारा लिख लेने हैं। एब्सकॉन का मतलब होता है रैन अवे, हम याद करने लिए इन्हें तोड़ लेंगे। ए प्लस सेकंड, अ थीफ सेंटेंस बना लेंगे, थीफ रैन अवे इन अ सेकंड, चोर एक सेकंड में भाग गया, चोर एक सेकंड चला गया, ठीक है। रैन अवे का मीनिंग क्या हो गया, भाग जाना। एब्सकॉन का मीनिंग होता है भाग जाना। जो तुम वर्ड देखोगे एब्सकॉन तुम याद आ जाएगा, ए प्लस सैकेंड थीफ की गल याद आ जाएगी, थीफ रैन अवे इन ए सैकेंड, तो उतो ही तुम याद आ जाएगा रैन अवे मतलब भाग चलो, ठीक है। मतलब या फिर इनू एवं कह सकते हैं डिपार्ट सीक्रेटली, मतलब चोरी छुपे चले जाना, ठीक है। करिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीटली। हुण आपां इहनूं याद करना है, वर्ड नूं तोड़ लांगे, अब प्लस सल्यूट, सल्यूट जिहड़ा मारदे आ ना एक दूसरे नूं सल्यूट, तां आपां याद करन लई इहनूं सेंटेंस बनावांगे कि अब सल्यूट उसी को मारेंगे जिसके पास कंप्लीट पावर होएगी, कंप्लीट पावर होएगी, भी उन्होंने ही सल्यूट मारना है जिंदे कोल कंप्लीट पावर होएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट कंप्लीटली हो गए याद, करिए नेक्स्ट वर्ड। अपना लास्ट वर्ड है एब्सोल्व, एब्सोल्व का मीनिंग होता है पार्डन, मतलब किसी नूं माफ़ कर देना, माफ़ी दे देनी, ठीक है। तो हुण याद करना है, तोड़ लिए वर्ड नूं, अब प्लस सोल्व, तो बनावांगे सेंटेंस, अब प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, तो तुझे माफ़ी मिल जाएगी, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी मतलब क्षमा पार्डन, ठीक है। इतों याद रख लेना आपां। असी अपना लास्ट वर्ड तो अज आप 15 वर्ड्स, ठीक है। बस तुसी इदां ही याद रखना, स्टोरी बनाई जानियां ने ते तुहानू वर्ड याद आ जाएगा। स्टोरी बनाने आ अपने सामने जदों भी वो वर्ड आंदा ना ते आपां नूं उदों ही स्टोरी याद आ जांदी है, फिर मीनिंग भी उदों ही दिमाग दे विच आ जांदा, ठीक है। होर ट्रिक्स भी आपां करांगे नेक्स्ट वीडियो दे विच, ते इसलिए तुहानू साडा चैनल सबसक्राइब करना पवेगा, तुहानू रोज़ ही साडे मतलब वीडियो अपने आप ही आ जाया करेगी तुहाडे अगे, ठीक है। सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उन्होंने नीडी वंस नूं जिहड़े कॉम्पीटिशन दी एग्जाम दी तैयारी कर रहे ने, नाले डेली लाइफ दे विच भी यूज़ होंदे ने वर्ड्स, ठीक है। तो फिर सानू हुण याद होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, सत श्री अकाल।